आज मुझे गाली दिया गया, मां बहन लगा के गाली दिया गया, मेरे कार्यकर्ताओं को मारा गया, निश्चित रूप से प्रदेश के लोगों को, नेताओं को संज्ञान लेने की आवश्यकता है और देवघर बाबा वैद्यनाथ की नगरी है। एक तरफ दुमका से ही चुनाव लड़ने वाली बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन अपनी पार्टी भाजपा पर धोखा देने का आरोप लगाती हैं। ये कहती हैं कि हमारे दुमका लोकसभा क्षेत्र के सारठ विधानसभा क्षेत्र का विधायक रणधीर सिंह बिक गया था, उसने धोखा किया, पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने धोखा किया, भाजपा के कई कैडर बिक गए थे, हमारे साथ थे लेकिन फिर भी हमारे साथ धोखा किया। तो दूसरी खबर अब आ रही है गोड्डा लोकसभा से, जहां गोड्डा सांसद निष्कांत दुबे पर यह आरोप लग रहा है कि उनके गुंडों ने वहां देवघर के दलित विधायक के साथ मारपीट की, गाली गलौज किया, अश्लील बातें कहीं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि देवघर से बीजेपी कोटे से नारायण दास ने ये बातें कही हैं और कहा है। जब यहां समीक्षा बैठक चल रही थी तब प्रदेश स्तर के बड़े नेता आए हुए थे, हम भी वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन इसी दरमियान निशिकांत दुबे के कुछ गुंडों ने मेरे साथ बदसलूकी की, गाली गलौज किया, अश्लील बातें कहीं और फिर कहा कि देखिए एक दलित विधायक के साथ क्या कुछ हो रहा है। आज मुझे गाली दिया गया, मां बहन लगा के गाली दिया गया, मेरे कार्यकर्ताओं को मारा गया, निश्चित रूप से प्रदेश के लोगों को, नेताओं को संज्ञान लेने की आवश्यकता है और देवघर बाबा वैद्यनाथ की नगरी है। तो निष्कांत दुबे की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। आपको पता होगा आरक्षण का मुद्दा, संविधान का मुद्दा, दलितों का मुद्दा इस बार मोदी सरकार के लिए काफी नुकसान का सौदा साबित हुआ, और ऐसे में अगर निष्कांत दुबे के पर आरोप लगता है कि एक दलित विधायक के ऊपर उन्होंने गाली गलौज करवाया है, हमले करवाए हैं, तो ये निष्कांत दुबे के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि अब तक निष्कांत दुबे की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन नारायण दास जो बीजेपी कोटे से विधायक हैं, खुलकर जो है निष्कांत दुबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इल्जाम लगा दिया कि निष्कांत दुबे के ही गुंडे थे जिन्होंने मुझ पर हमला करवाने की कोशिश की, गाली गलौज करवाया। नारायण दास ने साफ तौर पर कहा कि मुझ पर ये आरोप लगाते हैं कि हमने उनके लिए काम नहीं किया, लेकिन जब हमारी पत्नी को हैदराबाद इलाज करवाने के लिए जाना था लेकिन हम पहले एयरपोर्ट पहुंचे, हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। अगर निष्कांत दुबे के पास मेरे खिलाफ एक भी ऑडियो और वीडियो सबूत है जहां ये साबित हो जाए कि मैंने उनके खिलाफ जो है काम किया, तो फिर कोई बात बनती है, जबकि मेरे पास तो सबूत है जहां वो मेरे खिलाफ बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो बीजेपी कोटे से विधायक देवघर से नारायण दास के हमले के बाद निष्कांत दुबे की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। आपको बता दें कि देवघर के विधायक नारायण दास ने निष्कांत दुबे पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जब जिला कार्यालय बना तब वहां के जिलाध्यक्ष को कह दिया कि आप नारायण दास को एंट्री मत होने दीजिए। साथ ये भी कहा कि जब मैं मोहनपुर में कार्यक्रम में गया था और मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ये इलाका कभी आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2014 में यहां से जीता, 19 में जीता और आचार संहिता लागू होने से पहले ही हमने कई सड़क पुल पुले का उद्घाटन किया। जिसके बाद नारायण दास कहते हैं इतना कहने पर निष्कांत दुबे मेरे पर भड़क गए और कहने लगे कि तुम बहुत बड़ा विधायक हो गया है, घमंडी हो गए हो, अहंकारी हो गए हो। लेकिन नारायण दास ने कहा कि हम सारा अपमान का घूंट पी रहे थे, लेकिन अब तो अन्याय हो गया, मेरे साथ उनके गुंडों ने जो है वो मारपीट की है। बता दें कि गोड्डा लोकसभा का क्षेत्र इस बार कई ऐसे भाजपा के कार्यकर्ता थे जो निष्कांत दुबे से दूरी बना रहे थे, निष्कांत दुबे पर अहंकारी होने का आरोप लगता रहा है। अब नारायण दास जो बीजेपी कोटे से विधायक है एक बड़ा आरोप लगा दिया है, मीडिया में खुलकर ये बातें कह रहे हैं, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि निष्कांत दुबे की सफाई इस पर क्या कुछ आती है। जैसे ही निष्कांत दुबे कुछ सफाई देते हैं तो हम आपसे साझा करेंगे। आप देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।